वेलकम दोस्तों, राइनोमैटिक्स क्लासरूम की तरफ से सबको वेलकम करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक पावे सेटिंग कैसे बनाया जाए। और ये पावे सेटिंग में सिंपल से डिज़ाइन लिया मैंने, तो एक पावे सेटिंग कैसे बनाया जाए वो आज देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नया हो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। और अगर जो लोग पहले से क्लासरूम के साथ जुड़े हुए हो तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो के बारे में कुछ शिकायत है तो कमेंट पे भी लिख दीजिए, मैं इससे भी बेटर आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। इसको सबसे पहले एक डिज़ाइन लिया मैंने, ये पावे सेटिंग बोला जाता है इसको। इसको मैंने आईडी लिया, आईडी कितने का है 17.5 का लिया। और इसके बाहर मैंने 1.8 का मैंने ऑफसेट मार दिया, ठीक है। तो ये आया, अभी मैं इसको टॉप से जाके मैं इसको तीन एम का एक सर्कल ले लिया है, ऑफसेट मार दिया। ओके, तो एक होता है यहाँ से पूरा बैंड होता है सेम, जैसा स्टोन है पूरा स्टोन सब रहेगा पूरा, मतलब यहाँ से जो स्टोन देख रहे हो नीचे साइड, आपको यहाँ से नीचे साइड टेपर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे टेपर भी नहीं दिख रहा है, ऐसा हो सकता है। और आपका ये सेंटर से धीरे धीरे आधा से और नीचे टेपर भी हो सकता है, वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों ही एक तरफ बना के दिखाऊँ। सबसे पहले इसको बना लेते हैं, चलो। इसका पैरामीटर कितना है, इसका लेंथ मैंने माप लिया कितना है 6 mm। तो मैंने रेल से ही बनाऊंगा क्योंकि मैं मैट्रिक्स शुरुआत किया तो मैं रेल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँगा। अगर जिस दिन राइनो में करूँगा तो वो भी उसमें रेल नहीं यूज़ करूँगा, कम यूज़ करूँगा, मैनुअली करने की कोशिश करूँगा, इसमें थोड़ा रेल यूज़ करूँगा। चलिए, टूल में गया, इसमें रेल है, यहाँ पे है, मैं इसको इसमें डाला कॉल में, यहाँ पे मुझे एक रेल दिया, ठीक है। इसमें जो डिज़ाइन दिख रहा है, डिज़ाइन में यहाँ पे आपका प्लेट दिख रहा है, तो मुझे रेल को चेंज करना है, ये भी यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको ही ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अभी मैं पहला पैरामीटर डाल रहा हूँ कितना 6 सेंटर डाला। अभी यहाँ पे जो है 1.8 है, मैं 2 mm डाल देता हूँ, 2.2। तो ये भी आ रहा है। यहाँ से फिर एक बार मैं देख लेता हूँ इसका कितना है, ये तो 1.1 mm है, तो और भी थोड़ा बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे, मैं मैनुअली बढ़ा देता हूँ इसको, -0.3 इसको मैनुअली बढ़ाएं, तो इसका भी पैरामीटर होगा 1.3, और भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ 1.5। सॉरी, तो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट रेल यूज करूंगा, 1 rail सरफेस, ओके। कैसे बना, समझ गया ना। अब इसको पावे बनाने का, तो पावे बनाने का अलग अलग बहुत सारे प्रोसेस है,
एक प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ आज। तो ये देखिए, ये वाला मैं अभी एक्सप्लोर किया, इसको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? यहाँ पे खाली होता है क्योंकि वेट जाता है, और कम करने के लिए इसको मैं सॉलिड 0.7, ओके, इसको मैं ऑफसेट मार रहा हूँ अभी सॉलिड 1.1। तो ये भी 1.1 हो गया और ये भी ऑफसेट मेरा ये हो गया, ओके। तो इसको मैं पावर बनाऊंगा, अभी इसको मैं पावर बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा? बाहर वाला का जो है मैं उसको एक्सट्रैक्ट सरफेस किया, इसको मैं 0.6, इसको मैं 0.6, ओके, इसको 0.3, नहीं आ रहा, इसको मैं 0.9 कर देता हूँ। ये 0.9 आ गया, इसको भी 0.9 आ गया, ओके। इसको स्प्लिट करके मैं काट लिया, अभी अंदर मैंने ऑफसेट कितना मारूंगा, 0.55। ये 5.5 गया, ये 5.5 गया, और नीचे कितना रहेगा, 1 mm। तो 0.55 का मिडिल रहा है, 0.55 की जगह पॉइंट, इसको थोड़ा कितना मारने का, 0.45, तो 6 थोड़ा मिडिल। अभी देखिए इसमें ये वाला जो रहेगा ना, ये वाला रहा, ये जो क्रॉस है वो थोड़ा कम रहेगा, तो मुझे 1 mm मार के थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको बढ़ा लीजिए, ओके, थोड़ा। अभी इसको मैं 9 लेके स्वीप टू कर दिया, ये वाला स्वीप टू कर दिया, यहाँ से भी एक लाइन लिया, लाइन लेके इसको भी स्वीप टू कर दिया, ओके। अभी मुझे यहाँ पे देखिए ये वाला सॉलिड है, इसको मैं यहाँ पे लेके गया, एक्सप्लोर किया, इसको ऊपर वाला डिलीट मार दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये नॉर्मली एक पावर वन है, समझ में ऐसा ही दिख रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे अभी जीएम बिठा रहा हूँ मैं, कैसे जीएम बिठाऊँ, इसको जीएम एरे मार के जीएम आ जाएगा। इसको टेपर करके भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अभी इसको मैं जीएम बिठा के कंप्लीट करता हूँ, फिर दूसरा पकड़ूँगा। इसको F6 मार के जीएम बिठा रहा हूँ, 3 stone दिख रहा है इसमें। तो सबसे पहले सेंटर में कॉल लेना जरूरी है, सेंटर के हिसाब से आपको जीएम बिठाओ कितना, 1.5, इसको 1.5, इसको एरे मार के देखो,
ಎಸ್ ಮಗನ 34 37 कंपनी का अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अब वो लोग सीखने के लिए ये काफ़ी है। आप लोग ये जो सीख रहे हो ना, इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, जो लोग नया हो तो लोग ये वीडियो देख के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत कुछ सीख जाओगे। यहाँ पे इसको हाइड करो, यहाँ क्लिक कीजिए, पहला यहाँ पे दो भी डाल सकते हो आप, है ना, एक दो। ये स्प्लिट कॉम बोले जाते, इसको स्प्लिट कॉम अगर ऐसा डालेंगे तो ये स्प्लिट कॉम हो जाए। तो ऐसा भी चलता है, बहुत सारे कंपनी में ये स्प्लिट कॉम चलता है, आप चाहो तो स्प्लिट कॉम डाल सकते हो। एक दो पे चाहो तो आप सिंगल भी डाल सकते हो। ओके दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और एक ठीक है, चलिए वो वाला भी दिखा देता हूँ आपको लोगों को कि कैसे इसको पेपर में किया जाए। ओके चलिए, इसको मैं सेव करूँ, इसमें ऑन कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे मैं हाइड कर रहा हूँ, एक कलर डाल के मैं ऑलरेडी हाइड कर रहा हूँ, तो एक मेरे पास हाइड हो गया। अब इसको मैं कुछ भी कर सकता, तो मुझे नहीं चाहिए ना, इसको डिलीट मार दिया, इसको भी डिलीट मार दिया, ठीक है। अभी एक चीज देखना है, यहाँ पे मुझे ऑन क्यों कर रहा है, इसको ऑन क्यों हो रहा है, ऑन क्यों हो रहा है, पहले मैं इसको मैं ऑन क्यों कर दिया साथ में। प्रोसेस अलग अलग है, रेल पे भी होगा, रेल पे भी कर सकते हो। इसमें मैं कोशिश करके एक बार देखता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो रेल से बनाऊंगा। देखिए, एक प्रोसेस से ये फॉर्म बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रोसेस कभी कभार चेंज करना पड़ता है। हम लोग करके भी देखते हैं कि नहीं हुआ तो दूसरा प्रोसेस है। तो यहाँ से मैं कटिंग करके छोटा करके देख रहा हूँ, अगर होता है तो इसमें से करेंगे, नहीं तो रेल से बनाएंगे। आपको अलग अलग प्रोसेस आना चाहिए, अगर अलग अलग प्रोसेस आए तो आप बहुत ही मार सकते हो, नहीं तो
प्रॉब्लम में गिर गिरने वाले हो। यहाँ पर मैं यहाँ पे 4 mm है और ऊपर 6 mm है। इसको काट करके मैं निकाल के देखूंगा। चलो इसको क्या करने का, मैं इसको ट्रिम कर, इसको मैं ट्रिम करके निकाल, देखिए ऐसा हालत हो गया। ओके तो मैं क्या किया, नॉर्मली था उसको मैंने ट्रिम करके निकाल दिया। ये रेल से भी होगा। इसको अभी क्या करने का, इसको पैच मार के निकाल लेते हैं। पैच मार के इसको मैं होल क्रिए कर दिया, बंद कर दिया। अभी इसको क्या करूंगा, सॉलिड सॉलिड 0.7। ओके और ये जो आईडी है, ये जो आईडी है इसको मैं मैक होल कर रहा हूँ। तो क्या हो गया, ये भी आईडी का मैं ये भी रिंग बन गया। ओके इसको मैं अभी क्या करने वाला हूँ, अभी इसको ऑफसेट मारना है। इसको ऑफसेट मारने से पहले एक काम कर सकते हो, यहाँ पे फुल स्टोन नहीं आएगा ना पूरा, यहाँ पे कितना ऊपर तक स्टोन हो गया। अब इसको बुलेट स्पीड पर स्पीड कर दिया, कट कर दिया। इसको क्या करने है, इसको मारने में ये पावे होगा, इसके नीचे ये वाला पावे नहीं होगा। तो ये कितना ऑप्शन होगा, 0.6, समझ में। क्योंकि यहाँ पे मैं सॉलिड नहीं चाहिए ना, वेट कम कम ज़्यादा हो जाएगा ना। तो मैं इसको भी क्या करूँ, इसको क्या करूँगा, इसको भी नहीं चाहिए ऐसा रात प्लीज ना, नहीं चाहिए। मैं दूसरा कलर डाल के मैं हाइड कर दूँ। अब इसको क्या करने का, 0.6 वो स्पीड कर दिया, अंदर वाला डिलीट कर दिया, अंदर वाला 0.45 इसको क्या करने का, ओंडी थोड़ा बाहर से ओंडी मारते इसको, ये नहीं चाहिए। इसको डुप्लीकेट बॉर्डर, इसको भी डुप्लीकेट बॉर्डर, और इसका अंदर इसका अंदर, इसको क्या करने का, एक लाइन लेके और इसको स्वीप मार दिया। इसको एक्सप्लोर ऊपर वाला डिलीट, इसको और ये वाला आपका रिंग बन गया। और नीचे में क्या हुआ, नीचे इसको लॉक किया, इसको लॉक किया और यहाँ से यहाँ तक मुझे सॉलिड चाहिए ना, इसको मुझे सॉलिड करने का। मुझे ये बाजू बाकी नहीं चाहिए, इसको इसको चैम्पर मार सकते हो। इसको चैम्पर यहाँ से मिलेगा सॉलिड, यहाँ पे चैम्पर है कितना, 0.9, 1.5, इसको 1.5 और
यहाँ पे स्पून बिठाने का, इसको कौन चाहिए, इसको नहीं चाहिए अभी, इसको क्या करने का, ये मीट क्रो लेने का, यहाँ से ना मीट क्रो, मीट क्रो लिया, इसका भी मीट क्रो लिया, पेपर करूंगा फिर कितना जेम कितना रहेगा, पेपर जेम जेम कितना रहेगा यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1.3 1.2 ठीक है इसका गैप में बिठाने का है, तो छोटा स्टोन बैठ रहा है तो बैठा भी चले इसको यहाँ पे होना और इसको
अब इसको मैन्युअली स्टोन बिठा सकता हूँ, यहाँ पे मैन्युअली स्टोन बिठाना पड़ेगा क्योंकि इसमें अगर स्टोन बिठाने वाले जाएंगे 6 पाउंड है ना सब, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैन्युअली स्टोन को बिठा सकता हूँ। ये एक बाजू बिठाएंगे तो दो बाजू हो जाएगा, पूरा बिठाने की तो जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो में कहाँ पे भी गलती हुआ तो बताइए हमें, और दूसरे को जो ये क्रैनो मैट्रिक्स सीख रहा है उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी को काम पे आए। चलिए फिर नया वीडियो लेके दूसरा दिन आ जाऊंगा फिर। ओके बाय, गुड नाइट।